नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कर्नाटक में सियासी घमासान के बीच कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि कर्नाटक को फतेह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दिया है। अब ऐसे में कई सर्वे भी आ रहे हैं जिनमें ये जिक्र है हो रहा है कि कांग्रेस अपने किले को बचाने में कामयाब होती हुई दिख रही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी अपने किले को बचा कर्नाटक में अपने किले को बचा लेते हैं तो राहुल गांधी का पर्सनली क्या फ़ायदा होगा। हालांकि सरकार बनेगी, इससे सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं वहां के उनको फ़ायदा होगा, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के जीतने की स्थिति में सबसे बड़ा लाभ राहुल गांधी को क्या होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष का पद जब से संभाला है राहुल गांधी ने, तब से एक बात जरूर है कि जब से राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर बने हैं, हालांकि अध्यक्ष पद के कयास तब लगाए जा रहे थे कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है जब गुजरात चुनाव हो रहा था। अब गुजरात चुनाव में उन्होंने बेशक बहुत मेहनत की और मेहनत करके कहीं ना कहीं उन्होंने 88 सीट गुजरात में लेकर आए, और फिर एक यानी कि सोनिया गांधी को यकीन हो गया कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसको राजनीतिक पद पर बिठाया जाता है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बिठाया जा सकता है। और फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष गुजरात चुनाव के वक्त ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया गया। अब राहुल गांधी के अध्यक्ष बनते ही उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आ गईं, क्योंकि हिंदुस्तान के अधिक से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी का परचम लहराया है। अब चुनौती राहुल गांधी के लिए ये है कि वो किस तरीके से बीजेपी का किला भेदते हुए कांग्रेस की जीत को दर्ज करवाए। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के चलते पहला ऐसा चुनाव है विधानसभा का कर्नाटक में जो राहुल गांधी के छवि को बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है, क्योंकि अगर कर्नाटक का फतेह करते हैं किला कांग्रेस, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में एक ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूत होने लगी है, वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो ऐसे में राहुल गांधी का कद तो बढ़ेगा ही, साथ ही सिद्धारमैया जो सीएम है उनका भी कद कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और ये होगा कि वास्तव में कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार जो थी वो सफल हो गई है। आपको हम दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से वो फायदे हैं जो अगर बीजेपी को पस्त करने में अगर कामयाब होती है कांग्रेस, तो क्या लगता है कि कांग्रेस कर्नाटक का किला जो है फतेह कर लेगी। आइए देखें इस रिपोर्ट के जरिए। कर्नाटक चुनाव को लेकर एक प्री पोल सर्वे आया है। इस सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस अपना किला बचाने में कामयाब हो सकती है। सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल 224 सीटों में से कांग्रेस को 109 से 120 जबकि बीजेपी को 40 से 60 सीटें मिल सकती हैं। यानी बहुमत के 113 सीटों के आंकड़े को कांग्रेस छूकर लगातार दूसरी बार सत्ता में आ सकती है और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। यहीं से सवाल उठता है कि यदि कांग्रेस जीतती है तो इसके मायने पार्टी के लिए क्या होंगे। इसके साथ ही 2019 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। कांग्रेस के जीतने की स्थिति में सबसे बड़ा लाभ राहुल गांधी को होगा। कांग्रेस अध्यक्ष का पद विधिवत संभालने के बाद कर्नाटक पहला ऐसा राज्य है जहां उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस जीतती है तो पार्टी का मनोबल बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी का कद बढ़ेगा। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं।
कांग्रेस मजबूत मनोबल के साथ इन चुनावों में भी उतरेगी और बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में 2019 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ अपनी अगुवाई में महागठबंधन बनाने का दावा कर सकने की स्थिति में होगी। दरअसल कांग्रेस को यह एहसास है कि बीजेपी को रोकने के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ उसको गठबंधन बनाना होगा। ये क्षेत्रीय क्षत्रप उसी स्थिति में कांग्रेस का दबदबा स्वीकार करेंगे जब कांग्रेस का प्रदर्शन इन राज्यों में बेहतर होगा, तभी इन क्षेत्रीय दलों को भरोसा होगा कि कांग्रेस बीजेपी के रथ को रोक सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कई क्षेत्रीय दलों ने फेडरल फ्रंट के नाम पर गैर बीजेपी के गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने की वकालत की है। इस तरह के किसी गठबंधन की संभावना को कांग्रेस तभी रोकने की स्थिति में होगी जब कर्नाटक जैसे अहम राज्य में बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में उसको शिकस्त दे सके। कर्नाटक में यदि कांग्रेस जीतेगी तो पार्टी के साथ साथ यह मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की जीत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अघोषित रूप से उन पर ही सूबे में दाव लगाया है। ऐसे में यदि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी और सत्ता विरोधी लहर को थामने में सिद्धरमैया कामयाब हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के भीतर स्थानीय नेताओं को तवज्जो देने के अपने फार्मूले पर लौट सकती है। 1950-60 के दशक में कांग्रेस की पूरे भारत में वर्चस्व का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा था कि हर प्रांत में उसके पास कद्दावर चेहरे थे जो जमीन से जुड़े नेता थे। यानी यदि यह प्रयोग सफल रहा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस आने वाले चुनाव से पहले पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सकती है। कर्नाटक चुनाव को कांग्रेस सेकुलरवाद बनाम सांप्रदायिकता की रणनीति के आधार पर लड़ रही है। यदि कांग्रेस का यह दाव सफल होता है तो आने वाले चुनाव में भी इस रणनीति को आजमा सकती है। आपको रिपोर्ट से 5 पॉइंटों में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि क्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव है और चुनाव इन राज्यों में चुनाव हैं और यही अगर कर्नाटक की स्थिति मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ में हुई तो यकीन मानिए अगर कांग्रेस अगर इन राज्यों में मजबूत होती है तो जो बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस मुक्त भारत अभियान का, वो तो बीजेपी का ध्वस्त हो ही जाएगा। लेकिन 2019 के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए हो जाएगी। हालांकि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ने के बाद उनकी जीत हो। अब 2019 में जो महागठबंधन चल रहा है, महागठबंधन की जो पेशकश चल रही है, उसके कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे के नेता राहुल गांधी बनना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में महागठबंधन आगे बढ़े। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अगर चुनाव जीतते हैं तभी तो ऐसा हो पाएगा। अगर चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो राहुल गांधी फिर कैसे महागठबंधन का नेता बनिएगा, सबसे बड़ी बात है। तो कर्नाटक तो है ही साथ में जीतने के लिए, लेकिन क्या लगता है कि कर्नाटक इतना आसान है कांग्रेस को जीतने के लिए? क्योंकि एड़ी चोटी का जोर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी लगाने में लगे हैं, वो राज्य में दौरे पर हैं और एड़ी चोटी का जोर राहुल गांधी को भी कांग्रेस की नैया पार कराने में लग जाएगा। सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है कर्नाटक के अंदर और इस सियासत में कहीं ना कहीं कौन सी पार्टी इस यज्ञ में स्वाहा होती है ये तो आने वाला 15 मई को पता चलेगा कि होता क्या है आखिर। और यही चीज़ कहीं ना कहीं कर्नाटक में देखने को मिलेगी कि किस तरीके से महागठबंधन बनाने का दावा कर सकते कि स्थिति में क्या राहुल गांधी हो पाएंगे 2019 के लिए, सबसे बड़ा सवाल। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।